मेकर्स कर रहे हैं सुंबुल और शालिन के बीच फेक लव क्रिएटर। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये लेटेस्ट अपडेट बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई और उसके मेकर्स से जुड़ी हुई। और सच बात बोलूं तो मुझे भी मेकर्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है जब आप लोग भी जानेंगे तब आप लोगों को भी वाकई ही काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देती हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। कल जब एपिसोड चल रहा था, एपिसोड जब चलता है तब जो है कोई भी कंटेस्टेंट कुछ भी चीज करता है तब उसके ऊपर जो है कलर्स टीवी जो ट्विटर हैंडल है वहां पर जो है कुछ ना कुछ ट्वीट करता रहता है। इसी दौरान ही सलमान खान जो है फ्राइडे के वार करने के लिए घर के अंदर आए और 10 कंटेस्टेंट को जो है वो अपने साथ खाना खाने के लिए रूम के अंदर लेके गए। इसी दौरान ही सबसे पहले अब्दुल रोजिक थे, फिर उसके बाद निमृत आई, फिर गौतम आए। जब एक्चुअली में शालिन जब अंदर गए तब अब्दुल रोजिक से पूछा गया कि भाई आप बताइए कि शालिन किसको इनवाइट करेंगे। तो अब्दुल रोजिक ने बोला सुंबुल को, और उन्होंने भी सुंबुल को इनवाइट किया। पर जब शालिन ने सुंबुल को इनवाइट किया तब उसी वक्त कलर टीवी वालों ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ये था कि शालिन ने किया सुंबुल खान को इनवाइट, आपको क्या लगता है कि कुछ इन दोनों के बीच में पक रहा है ? तो गाइस इस चीज पे जो है जनता भी भड़की और मैं भी भड़की हूँ। और ये भड़कने के कारण भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सिर्फ सुंबुल और शालिन के बारे में ही ऐसा ट्वीट किया गया है, पर किसी और के बारे में तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया गया। पहले अब्दुल रोजिक ने निमृत को बुलाया, निमृत ने गौतम को बुलाया, तो वहां पर भी तो बोलना चाहिए ना था कि निमृत और क्या गौतम के बीच में कुछ पक रहा है। तो ये चीज वहां पर ऐसे ट्वीट नहीं की गई, वहां पर ऐसी ट्वीट की गई है कि निमृत अभी आ चुकी है अंदर तो अभी किसको बुलाएगी नेक्स्ट। ऐसा बहुत ही पोलाइटली टीना के बारे में, हर किसी के बारे में जो है बहुत ही पोलाइटली जो है लिखा गया, पर इन दोनों के बारे में लव एंगल जो है क्रिएट करने की मेकर ही खुद कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद जनता भी भड़की और मैं भी भड़की हूं। भाई ये सच में बहुत ही फेक लव जो है ये क्रिएट कर रहे हैं, ना कि शालिन और सुंबुल। ये जनता के दिमाग में जो है ये चीज डाल रहे हैं। तो गाइस प्लीज ऐसी कुछ चीजें दिमाग में मत डालिए। मैं तो ये बात बोलती हूँ, ना तो वो सुंबुल और शालिन भाई बहन है, ना तो कोई लव एंगल उनके बीच में चल रहा है इस वक्त, तो वो सिर्फ दोस्त हैं और दोस्ती बहुत अच्छी लग रही है मुझे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।